प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एमएसएमई के विस्तार की दिशा में आज लखनऊ में 30,826 करोड़ का मेगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ और उन्नाव में स्वीकृत प्लेस पार्क के विकासकर्ताओं को चेक वितरित किया। साथ ही अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा दी है। एमएसएमई सेक्टर में अभी तक 40 लाख इकाइयों का पंजीकरण इस योजना के तहत हो चुका है। अब इसे जिला उद्योगों के जरिए और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है और लैंड बैंक है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई है। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती है जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।